मंत्र जप एक ऐसा उपाय है जिससे सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। शास्त्रों में मंत्रों को बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। इसी कड़ी में हम द डिवाइन टेल्स पर लेकर आए हैं हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावी मंत्रों के अर्थ, जप विधि और उनका जाप करने से होने वाले फायदे। आज हम बात करेंगे लंकापति रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्त्रोत की। इस वीडियो में जानिए शिव तांडव स्त्रोत की जप विधि और इसके चमत्कारिक प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, और द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। मान्यता है कि एक बार रावण ने अपना बल दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को ही सर पर उठा लिया था। जब वह पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे मात्र से कैलाश को दबाकर उसे स्थिर कर दिया। इससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से चिल्ला उठा, शंकर शंकर, जिसका मतलब था क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। साथ ही वह महादेव की स्तुति करने लगा। इस स्तुति को ही शिव तांडव स्त्रोत कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्त्रोत से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने लंकापति को रावण का नाम दिया था। शिव तांडव स्त्रोत में तांडव शब्द तंदुल से बना है, जिसका अर्थ उछलना होता है। तांडव एक तरह का नृत्य है जिसे बेहद ऊर्जा और शक्ति के साथ किया जाता है। जोश के साथ उछलने और नाचने से मन और मस्तिष्क की शक्ति को केंद्रित किया जाता है। शास्त्रों में तांडव का नृत्य केवल पुरुषों को करने की ही अनुमति दी गई है। शिव तांडव स्त्रोत मंत्र जप करने की विधि। इस मंत्र का जाप सुबह से नियमित रूप से करना चाहिए। प्रातःकाल या प्रदोष काल में इसका पाठ करना सर्वोत्तम होगा। पहले शिव जी को प्रणाम करके उन्हें धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गाकर शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करें। अगर नृत्य करते करते इसका पाठ करेंगे तो वह सर्वोत्तम होगा। पाठ के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करें। शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार भगवान शिव ने रावण के तांडव मंत्र को सुनकर उसे माफ किया था और उसे कष्ट से मुक्त किया था, इसी प्रकार आप भी सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। शिव तांडव स्त्रोत के नियमित रूप से जाप करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जाप से आप न केवल धनवान बल्कि गुणवान भी बनते हैं। इससे आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति का अनुभव होता है। यदि आपसे रावण की तरह अनजाने में कोई गलती हो जाए तो शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करने से आपकी गलतियों की क्षमा आपको जल्द मिल जाएगी। शनि को काल माना जाता है, परंतु भगवान शिव स्वयं महाकाल है, अतः शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा जिन लोगों की जन्म कुंडली में सर्पयोग, काल सर्पयोग या पितृदोष होता है, उन लोगों के लिए भी शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करना काफी उपयोगी होता है। इसके पाठ से उनके सभी कुंडली दोष खत्म हो जाते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी शिव तांडव स्त्रोत का जप कर भगवान शिव की कृपा के पात्र बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसे और भी शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।